हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीपैथिक नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स? सो एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है फॉस्फोलिपिड्स का? तो हमें ये पता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स वो होते हैं हमारे एम्फीपैथिक। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे फॉस्फोलिपिड होता है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये होता है इसका हेड, नीचे होती है इसकी हमारी टेल। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी ये जो ऊपर है ये है हेड, और नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट है दीज आर इट्स टेल। टेल्स, टू टेल होती है यहाँ पे हमारे पास। तो जो हमारा हेड होता है, इसका जो नेचर होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इसका मतलब ये वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट का बना हुआ हेड होता है। एंड जो हमारी टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हीटिंग। हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, ये जो होती है ये बनी होती है फैटी एसिड चेन्स। ये होती है हमारी फैटी एसिड चेन्स। तो फैटी एसिड की बनी हुई होती है, फैटी एसिड चेन होती है हमारे पास। तो इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोफिलिक है, एक हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। तो इसीलिए इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक नेचर, यानी कि टू टाइप ऑफ नेचर, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक। एंड जो हमारा फॉस्फेट वाला पार्ट है, हेड होता है, ये यहाँ पे हमारा पोलर होता है, पोलर हेड होता है, हेड जो है वो पोलर है। एंड जो हमारी टेल है वो हमारी नॉन पोलर होती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।